किस तरह की समस्याएं लेकर लोग पहुंचे हैं जन सुनवाई में किसान? देखिए इस समय मैं डबरा तहसील प्रांगण में खड़ा हुआ हूं, जहां जनसुनवाई लगी हुई है और लोग चूंकि तहसील में अपनी अपनी समस्याओं को लेकर तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय के पास पहुंच रहे हैं। किस तरह की समस्या है, मैं डबरा एसडीएम चूंकि प्रदीप कुमार शर्मा है, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा किस तरह की समस्या। सर यहाँ पर जो काफी लोग आए अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, यहाँ किस तरह की समस्या देखिए सर, सबसे पहले यहाँ चूंकि अतिवृष्टि हुई इससे लोग काफी परेशान के लिए करते हैं, यहाँ पर लोग बहुत सारे आ गए क्या अतिवृष्टि के, तो केवल अभी एक दिन की पसंद की आज तो अतिवृष्टि का राशि तो डाली जा चुकी है सर, किसी कारणवश हो सकता है खाते में नहीं गई। सर एक बूढ़ी अम्मा है जो काफी देर से 10,000 की ठोकर पकड़ती हुई खाते हैं, उनके पैर वैर भी उनके लाचा, कहना है कि हमारा राशन कार्ड से नाम काट दिया है उनका, और जिनके जो राशन कार्ड से नाम नहीं काटा गया है इनका क्या अंगूठा नहीं आता, आधार कार्ड का अंगूठा आता, उन्हें बिना आधार के ही इन्हें दिया जा रहा है, तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि इनको कुछ दिया नहीं जा रहा, जान हुई है और इनका अंगूठा नहीं आ रहा आधार में, इसलिए बिना सर। यहाँ काफी लोग कुछ ऐसे भी लोग हैं उन जो कि उन लोगों के तत्काल में काम नहीं हो पा रहे हैं और जन समय बार बार चक्कर लगा रहे थे कि उनकी नहीं, ऐसे क्या कोई स्पेसिफिक समस्या होगी तो बताएं, जिस तरीके से जो तो पहला उनका राशन वासन का काम हो गया, दूसरा उन लोगों का पैसा वगैरह खाते मिल गया, तीसरा उनका आवास वावास का भी प्रोग्राम हो गया, पैसा जो अभी चारों पाँच होगा उसी के खाते में जाएगा, और यदि अतिक्रमण है तो उसमें तो हड़ताली की कार्रवाई करेगी। चूंकि मेरे साथ जो जनसुनवाई कर रहे थे यहाँ पर हमारे डबरा एसडीएम प्रदीप कुमार शर्मा थे, और लगातार इस लोगों ने अपना निराकरण भी बताया है, जो कि तत्काल समस्या है उनका पूर्ण रूप से उनका निराकरण।